श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 4 फरवरी माघ मास शनिवार का दिन है, शुक्ल पक्ष चल रहा है। जीवन में अगर बहुत ज्यादा आपके दुख चल रहे हैं, तकलीफें हैं, बहुत ज्यादा कष्ट हैं, परेशानियां हैं, या आपके शरीर में कोई बीमारी है जो बार बार लग रही है, घर में बहुत ज्यादा अशांति का माहौल है, या फिर जो है आपकी जो कुंडली है उसके अंदर शनिदेव की 7.5 चल रही है, जिसके कारण आपको जीवन में परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ रही हैं, तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर आपको एक उपाय बताने वाली हूँ। गुरु जी ने हमें ये उपाय बताया है कि एक चीज आपको शनिवार के दिन आपको एक पेड़ के नीचे दबा देनी है। ऐसा करने से आपके जीवन के जो सारे रोग हैं, कष्ट हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में जो है सुख समृद्धि बरकत जो है वो बनी रहेगी। उपाय को पूरा जानने के लिए वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। शनिवार के दिन हमने ये उपाय करना है, उपाय को अच्छे से समझिए और इसका लाभ हासिल करिए। उससे पहले चैनल पर नए आए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करिए। तो गुरु जी ने हमें बताया है, जिसे भी जीवन में कष्ट चल रहे हैं, परेशानियां हैं, उसने क्या लेना है? आपने लेनी है एक काजल की डिब्बी, जो हम आंखों में जो है, जो औरतें काजल लगाती हैं, वो वाली आपने लेनी है एक डिब्बी लेनी है। आजकल कई तरह के काजल चलते हैं, लेकिन जो आजकल पेंसिल वाले चलते हैं, ब्रश वाले चलते हैं, लेकिन आपने जो है, जो हमें मात्र 5 या 10 रुपए की ये डिब्बी है वो मिल जाती है, आसानी से आपने ले लेनी है। उसके बाद जिस व्यक्ति को अपने जीवन में परेशानियां आ रही हैं, जिसका काम कारोबार नहीं चल रहा है, या शनि की 7.5 चल रही है, जीवन में कष्ट चल रहे हैं, उस व्यक्ति के सिर के ऊपर से आपने इस काजल की डिब्बी को शनिवार के दिन 21 बार आपने उतारना है, यानी 21 बार उसके सिर से आपने जो है उस डिब्बी को आपने उसारना है। उसारना मतलब कि उसे घुमाना है। जब आप घुमाएंगे उस समय काशी विश्वनाथ महादेव का ही एक नाम है, काशी विश्वनाथ का स्मरण करना है आपने, और 21 बार उस व्यक्ति के सिर के ऊपर से उसार कर आपके घर के पास कोई भी पेड़ हो, जो छांवदार पेड़ हो, जो बड़ा पेड़ हो, पेड़ अब कोई भी हो सकता है, कोई ये नहीं मैं कहूंगी कि वटवृक्ष या पीपल या आंवला, कोई भी आपके घर के पास पेड़ हो, लेकिन पेड़ बड़ा होना चाहिए, छांवदार होना चाहिए। आपने उस पेड़ के नीचे जाकर एक छोटा सा गड्ढा करना है और उस डिब्बी को वहीं पर आपने जो है गाड़ देना है, और वहीं पर काशी विश्वनाथ भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपके जो जीवन में कष्ट चल रहे हैं उनका निवारण करिए, अपने जीवन में सुख शांति के लिए प्रार्थना करनी है। ये जो उपाय है शनिवार के दिन आप करेंगे, लेकिन सूर्यास्त से पहले करना है, यानी सूर्य डूबने से पहले पहले इस उपाय को आपने कर लेना है। मात्र 1 या 2 बार आप ये उपाय करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे आपके जीवन में जो कष्ट है, परेशानियां चल रही हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। आपका जीवन जो है वो सुख समृद्धि बरकत उसमें बनी रहेगी। तो सरल सा उपाय है, अवश्य इस उपाय को शनिवार के शनिवार करना शुरू करें, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। कोई भी प्रश्न हो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।